नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बिहार में दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होंगे। दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार में अंतिम दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 4 रैलियां की। पीएम ने अपनी रैलियों में लालू और तेजस्वी के साथ साथ कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला। दूसरे चरण के रन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मगर इस शुरुआत के पहले बिहार में चुनावी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बिहार में दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होने हैं वहां वहां पूरा दमखम लगा दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 4 रैलियां की। हालांकि पहले पीएम की सिर्फ 3 रैलियां होनी थी, मगर बगहा की रैली बाद में जोड़ी गई। पीएम ने शुरुआत छपरा से की। छपरा के बाद वो समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर के बाद प्रधानमंत्री मोतिहारी पहुंचे और मोतिहारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगहा में गरजे। चारों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर लालू के समय का जंगल राज रहा। जंगल राज वालों ने बिहार में भ्रष्टाचार को हर मंत्रालय, हर विभाग, हर जगह परिवार को भी पहुंचाया, पाप को भी पहुंचाया, भ्रष्टाचार को भी पहुंचाया। जंगल राज, ये शब्द तेजस्वी के लिए इस चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है और शायद इसीलिए उन्होंने पार्टी के पोस्टरों से भी लालू और राबड़ी को आउट कर दिया है। लेकिन यही शब्द बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आजकल नीतीश के काम से ज्यादा जंगल राज की बातें इन चुनावों में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में उस दौर के शासन की तुलना लकड़सुंभा से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है कि बिहार का रण जीतने के लिए उन्हें कब, किस मौके पर क्या कहना है, ताकि विपक्ष पर चोट पड़े और अपने पक्ष में वोट पड़े। इसलिए पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी पर बराबर का निशाना साधा। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के, काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे तो उधर तेजस्वी यादव भी लगातार जनसभाएं कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी भी प्रधानमंत्री पर तीखा निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो उन्होंने कहा था कि यही का चीनी का मिल जो है चालू कराएंगे, यही चीनी का चाहती है। बोला था, नहीं बोला था? बोले के तो बहुत कुछ बोले थे, लेकिन स्थानीय मुद्दा ये बड़ा मुद्दा। तेजस्वी जिस दिन से प्रचार में उतरे हैं उसी रोज से वो 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। कमोबेश अपनी हर रैली में वो रोजगार दिलाने की बात करते हैं, मगर रोजगार के साथ साथ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करना नहीं भूलते। नीतीश जी कहते हैं ना कि तीर लालटेन का जमाना गया, बल्ब का जमाना आया है, तो हम उनको कहना चाहते हैं अब तो तीर का जमाना गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया है। तो बिहार में चुनावी रण में बयानबाजियों का दौर बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है। दूसरे चरण में विधानसभा की 94 सीटों पर मतदान होंगे। दूसरे चरण में कुल 1661 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब इन मतदाताओं के लिए प्रचार का शोर थम गया है, अब सिर्फ धड़कनों का शोर है जो प्रत्याशियों के दिल में तेज हो रही है। इंतजार है 3 नवंबर का, जब बिहार का मतदाता घर से बाहर निकलेगा और बेहतर बिहार के लिए मतदान करेगा। आज तक ब्यूरो। अब खबर लव जिहाद से जुड़ी हुई। एक ऐसा मुद्दा जिसके हर नए केस के साथ सियासी घमासान तेज हो जाता है। योगी सरकार लगातार लव जिहाद का मुद्दा गंभीरता से उठाती रही है। अब योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसने एक बार फिर से देश की सियासत को गर्मा दिया है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर योगी सरकार अब सख्त नजर आ रही है। देवरिया की रैली में योगी ने ऐलान किया कि वो जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून बनाएंगे। योगी ने शादी के पहले धर्म परिवर्तन को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के
हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। अगर कानून बन जाता है तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून होगा, और यह कानून कितना सख्त होगा इसका ट्रेलर भी योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सख्त लहजे में जारी कर दिया है। अब देश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलने वाली है। योगी के इस बयान का धार्मिक संगठनों से लेकर सरकार के मंत्रियों तक ने समर्थन किया। देखिए, लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार बहुत गंभीर थी। शुरू से हम लोग इस पर नजर रखे हुए थे। आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर कानून भी लाएंगे। यह बहुत दंडनीय अपराध है। अगर हमारा मत या संतों का मत जानना चाहें तो इसमें चौराहे पे ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए, और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर पाए, ऐसी भारत में कठोर कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। उधर योगी के इस ऐलान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। विपक्ष लगातार योगी को घेरने की कोशिश कर रहा है। जब कोरोना चल रहा था तो तबलीगी जिहाद कहा, कोर्ट ने उसको कहा कि झूठ है, फिर यूपीएससी का जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज ना समझ में आती ना उनको कुछ मालूम। हालत उत्तर प्रदेश की पिछले तीन चार सालों में हमने देखी है, वो हालत बिल्कुल पूरे विश्व में हमारा सर नीचे झुक जाता है जिस तरह की कानून व्यवस्था वहाँ की, तो उनको कहिए जरा वहाँ ध्यान दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने में कुछ अड़चने भी हैं। मसलन मौजूदा कानून में लव जिहाद जैसे शब्द की कोई परिभाषा नहीं, और न ही किसी केंद्रीय एजेंसी ने ऐसे किसी केस की जानकारी दी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पिछले तीन सालों से यूपी की सियासत में बार बार उठने वाला ये मुद्दा कानून का रूप कैसे लेगा, योगी इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार करेंगे, और लव जिहाद को कैसे कानूनी तौर पर परिभाषित किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। आतंकियों को पनाह देने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान, कूटनीतिक लड़ाई में मात खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया। भारत ने इस फैसले पर सख्त एतराज जताया है। पुलवामा हमले और विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई मामले में पोल खोलने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। अब पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर से नई नापाक चाल चली है। रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया। इमरान खान गिलगित में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया, लेकिन मुझे पता है कि यहां के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूं।
भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के इस ऐलान का सख्त विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्र में भौतिक परिवर्तन लाने की कोशिश को पूरी तरह अस्वीकार करती है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 1947 में हुए वैध विलय के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ गिलगित बल्तिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। जबरन कब्जा किए गए क्षेत्र पर पाकिस्तान सरकार को किसी तरह का दखल देने का अधिकार नहीं है। ऐसी कोशिशों में पाक अधिकृत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ पिछले 7 दशक से जारी मानवाधिकार के उल्लंघन, अत्याचार और उन्हें आजादी से वंचित रखने की सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। भारत सरकार ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान इन भारतीय इलाकों की दर्जा बदलने की बजाय तत्काल सभी अवैध कब्जे को खाली करे। हद तो ये कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस ऐलान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक दिन पहले ही इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव का ऐलान किया था। नवंबर में होने वाले इस चुनाव को लेकर भी भारत की तरफ से सख्त एतराज जताया गया था। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान खान की सरकार के खिलाफ लगातार विरोध की आवाजें उठती रही हैं। वहां पाकिस्तान के खिलाफ ही रैलियां निकाली जा रही हैं। चुनाव के साथ और अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान कर पाकिस्तान सरकार बढ़ते असंतोष पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटी है। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया इस वक्त फ्रांस की बात कर रही है। पूरी दुनिया के मुस्लिम फ्रांस से नाराज हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस से उठे इस मुद्दे का असर भारत में भी दिखा, जहां जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन भारत के 100 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने कट्टरता के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ सख्ती को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम सड़कों पर हैं। भोपाल में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार सख्त एक्शन की चेतावनी दे रही है। इसके बावजूद एमपी के अलीराजपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के पोस्टर जमीन पर चिपका दिए गए, जिसे लेकर हंगामा मच गया। सुबह आनंद फानन में नगर परिषद के कर्मचारियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद इसे निकाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। वहीं धर्म के नाम पर फ्रांस में हो रही हिंसा को लेकर भारत के बुद्धिजीवियों का वर्ग भी सामने आया है। 100 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने बयान जारी करते हुए हिंसा की निंदा की है, जिसमें जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, प्रशांत भूषण जैसे दिग्गजों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये लोग धर्म के नाम पर हाल ही में अंजाम दी गई हत्या की घटनाओं की स्पष्ट रूप से और बिना शर्त निंदा करते हैं। सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्याओं को उचित ठहराने संबंधी भारतीय मुस्लिमों के कुछ स्वघोषित अभिभावकों के ऊटपटांग तर्क से बहुत आहत हुए हैं और कुछ राष्ट्राध्यक्षों की अस्वीकार्य टिप्पणियों की भी निंदा करते हैं। आज तक ब्यूरो। फ्रांस में पैगंबर के कार्टून को लगातार प्रकाशित किए जाने से मुस्लिम देश नाराज थे। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कार्टून दिखाने वाले टीचर की हत्या के बाद कट्टरपंथी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम देशों में मैक्रों को शैतान का पुजारी कहा जाने लगा। मुस्लिम देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन चरम पर है। पाकिस्तान में मैक्रों के पुतले फूंके जा रहे हैं। ईरान में मैक्रों को राक्षस कहा जा रहा है। इराक में भी मैक्रों के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे कई और मुस्लिम बहुल देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को निशाने पर लिया जा रहा है। इन देशों से फ्रांस के नागरिकों और उनके राजदूतों को निकाल बाहर करने और फ्रांस में बने उत्पादों के बहिष्कार की मांग भी तेज हो गई। और यहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ सुरीगा लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी मुस्लिम दुनिया को ये चाहिए कि हर किस्म की फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट किया जाए, उसको फॉरेन स्टोर से उसको रिमूव किया जाए।
दरअसल 16 अक्टूबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में अभिव्यक्ति की आजादी की क्लास में एक टीचर ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया तो चेचेन मूल के छात्र ने गला काटकर उनकी हत्या कर दी। कई मुस्लिम देशों में जहां इसका समर्थन किया गया, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे आतंकी हमला करार दिया। यही नहीं, उन्होंने फ्रांस के कट्टरपंथी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरी दुनिया धर्म संकट के दौर से गुजर रही है। इस बात से भड़के तमाम मुस्लिम देशों ने मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। वहीं फ्रांस के बहिष्कार की मुहिम का नेतृत्व किया तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने अपने देशवासियों से फ्रांस का सामान न खरीदने की अपील की। एर्दोगान और फ्रांस के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। शार्ली एब्दो ने एर्दोगान का मजाक उड़ाने वाला कार्टून प्रकाशित किया जिससे तुर्की भड़क गया। एर्दोगान ने कहा कि मैक्रों को मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। वहीं उन्होंने पूछा कि इस शख्स को मुसलमानों और इस्लाम से क्या समस्या है। एर्दोगान का आरोप था कि मैक्रों इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। फ्रांस और तुर्की नाटो के सहयोगी हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर तुर्की ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि यूरोपियन यूनियन फ्रांस के साथ खड़ा है। उधर एर्दोगान के सुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सुर मिलाया और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस्लामोफोबिया वाले कंटेंट पर रोक लगाएं। फेसबुक के जो ओनर हैं जुकरबर्ग, उनको भी इमरान खान साहब ने, वजीर आजम ने एक खत तहरीर किया है जिसपे उन्होंने डिमांड किया है कि इस्लामोफोबिया पर सोशल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, उसका कंप्लीट जो है वो बैन किया जाए। हालांकि जोश में होश खो बैठी पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पास कर अपनी फजीहत करा ली। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में है हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके खिलाफ है ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की जाती है। उसने फ्रांस से अपना राजदूत बुलाने का प्रस्ताव पास कराया जबकि 3 महीने से पेरिस में उसका कोई राजदूत था ही नहीं। पिछले राजदूत को चीन का राजदूत बना दिया गया था। तुर्की और पाकिस्तान दोनों आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं, ऐसे में दोनों कट्टरवाद को बढ़ावा देकर अपने लोगों का ध्यान बांटने में जुटे हैं। लेकिन फ्रांस का विरोध उन देशों में भी हो रहा है जो आमतौर पर ऐसे विवाद से दूर रहना चाहते हैं। कुवैत और यमन के सुपरमार्केट और दवाइयों की दुकानों से फ्रांस के उत्पादों को हटा दिया गया है। इन देशों को इस्लाम पर दिए गए मैक्रों के बयानों से आपत्ति है। कुवैत में 70 दुकानें चलाने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 23 अक्टूबर को ही फ्रांस के सामानों के बायकॉट का आदेश जारी कर दिया था। मुस्लिम देशों में विरोध बढ़ता देख फ्रांस ने इन देशों में अपने नागरिकों को सुरक्षा का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। आपको बता दें कि यहाँ पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है।